बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, अभी तक हमने हिंदी व्याकरण के कक्षा प्रथम के दो पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आप ध्यान से सुनिएगा, पाठ तीसरा है मात्राएं। अब मैं आपको मात्रा के बारे में बताती हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहले पाठ का नाम है मात्राएं। सबसे पहले मात्रा किसे कहते हैं, हम परिभाषा पढ़ते हैं। व्यंजन में स्वर का सही मेल मात्रा कहलाता है। आपको पता है स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं? तो स्वर, व्यंजन में स्वर का सही मेल क्या कहलाता है? मात्रा। अब सबसे पहले हम बच्चों, इस परिभाषा को जानने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्वर कौन है और उनकी मात्राएं कैसी लगती है। आपको पता है आर ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ अन अह, ये बच्चों क्या है? स्वर। अब हम इनकी मात्राएं पढ़ते हैं। अ, अ पे आपको कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, अ की कोई भी अपनी मात्रा नहीं होती है, दिख रहा होगा आपको। आ, आ पे आपको दिख रहा होगा, अ पे एक डंडा दिख रहा है, अ पे ये डंडा दिख रहा है, आ की मात्रा, इसे क्या बोलते हैं? आ। ये हो गया छोटी ई, छोटी की मात्रा देखिएगा बच्चों, ऐसे और ऐसे, ये है बड़ी ई, ये इसकी क्या है, ये जो मात्रा, ये उ, छोटा ऊ, उ, 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 ये है री, री की मात्रा हमेशा ऐसे लगती है, ए आई, यह है ओ, ओ पे दिख रही होगी बच्चों आपको एक डंडा और एक मात्रा, आओ एक डंडा दो मात्रा, अंग, अंग की मात्रा आपको दिख रही होगी, और अह। इन्हीं चिन्हों को बेटा बच्चों, ये जो चिन्ह है इसी को हम क्या बोलते हैं? मात्रा। लेकिन इन मात्राओं का हमें, जब इन मात्राओं का हम सही सही प्रयोग किस पे करते हैं? व्यंजन। ये तो स्वर है, व्यंजन आपको पता है क का की ख खा ग गा, इसी प्रकार से क्या है? व्यंजन। उसमें हम इनका जब सही मेल बिठाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? मात्रा। ये आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि व्यंजन में किस प्रकार से स्वरों का की मात्राओं का मेल होता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि किस किस प्रकार से व्यंजन में स्वरों का, स्वरों की मात्राओं का मेल होता है। अब ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे स्वर लिखे हैं अ से अह तक, और नीचे उनकी क्या लिखी है मैंने? मात्रा। अब हम व्यंजन लेंगे। आपको पता है व्यंजन क ख अक्षर ज ञ श्र तक क्या है? सारे व्यंजन। अब उनमें से कोई सा एक व्यंजन लिख लीजिए, चाहे आप क चाहे ख च ट म कुछ भी ले लीजिए, उसमें हम अब स्वर यानी कि इन अ आ ई ई इनकी मात्राओं का प्रयोग करना सीखेंगे, कैसे व्यंजन में स्वर की मात्राओं का प्रयोग होता है। अब देखिए बच्चों, मैंने अ लिखा है, यहाँ पे क लिखा है, बोलो क, और है ना पीछे से, तो क की कोई भी मात्रा नहीं है क्योंकि अ पे कोई भी नहीं है। अब देखिए फिर मैंने क लिखा है, अब हम इसके ऊपर क्या लिखा है? आ, बोलो का, का बोला तो उसके पीछे क्या है? आ, तो ये क्या बन गया? का। बोलो बच्चों का, ये का मात्रा है का। छोटी की देखो क्या है, छोटी की मात्रा, ये इस मात्रा को हम यहां लगा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? छोटा की ई। अब यहाँ क लिखा है, इस पे हम क्या मार देंगे? बड़ी मात्रा का चिन्ह, ये है चिन्ह, इसे हम यहाँ पे की बन गया ना की। अब देखिए कु, छोटी ऊ की मात्रा, यहाँ पे लिखा है क, बोलो कु, जब हम कु बोलेंगे तो उसके पीछे क्या आएगा? ऊ, तो हम छोटी ऊ की मात्रा कु, कु, बड़ा कु, उसकी ये मात्रा है ऊ, यानी कि कु बोलेंगे तो ऊ, कु। अगला है बच्चों री। अब ये देखिए री की मात्रा आपको दिख रही है क्री, ये देखिए ये क्या लिख देंगे हम? क्री, ये है क्री। के, के बोलो के, यानी कि ए, ए की मात्रा
के, फिर आएगा काई, काई पे दो मात्रा क्योंकि यहाँ पे आई की दो मात्रा होती है। को जब बच्चों हम बोलेंगे तो पीछे क्या आएगा, ओ, हम क्या लिखेंगे, ओ की मात्रा। काउ, जब काउ बोलेंगे तो पीछे क्या आएगा, काउ, काउ पे एक डंडा और दो मात्रा। कंग, बोलो कंग, यानी कि अंग, कंग की मात्रा। कह, यानी कि कह। बच्चों आपको आ गया होगा समझ में कि कैसे हम व्यंजन में स्वरों की मात्रा का प्रयोग करते हैं और मात्रा कैसे कहते, किसे कहते हैं, इन्हीं चिन्हों को, ये जो चिन्ह बनाए गए हैं जो मात्रा है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मात्रा। और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, व्यंजन में। आप कोई सी भी ब्राकड़ी ले लीजिए, कोई सा भी व्यंजन ले लीजिए, ख ग, इसी प्रकार से सारी पूरी होगी। अब देखिए जैसे हम ख लिखेंगे, ख क्या आया, अ, अ की कोई मात्रा नहीं। खा, खा आ, आया इससे आ की मात्रा। खी, छोटी ई की मात्रा। खी, बड़ी ई की मात्रा। खु, यानी कि ऊ, छोटी ऊ, खु, छोटी ऊ की मात्रा। खु, यानी कि बड़ी की मात्रा, ख पे बड़ी की मात्रा। ख्री, बोलो ख्री, मतलब री, इसमें हम री की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे। ख्री, खे, यानी कि ए की मात्रा। खाई, खाई मतलब आई, दो मात्रा। खो, ओ की मात्रा। इसी प्रकार खाओ और खन, कह। देख लिया बच्चों आपने कैसे हमने आसानी से इन मात्राओं की मदद से व्यंजन में मात्रा लगाना सीखा। इसी प्रकार आप आगे आगे लिखते रहिएगा, अक्षर अज्ञात तक इसी प्रकार से पूरी मात्राएं होती हैं। मात्राओं के ही प्रयोग से हम दो अक्षर के शब्द, तीन अक्षर के शब्द, चार अक्षर के शब्द बनाना सीखते हैं बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा कि मात्रा किसे कहते हैं और किस किस प्रकार से हम व्यंजन में मात्रा का प्रयोग करते हैं। आप सभी को ढंग से समझ में आ गया होगा। बच्चों अभी हमने पढ़ा कि मात्रा किसे कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि मात्रा की सहायता से हम शब्द कैसे बनाएंगे। बच्चों देखिए आप यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं मैंने और यहाँ पे उनकी मात्राएं लिखी हुई है और अब इनकी सहायता से हम शब्द कैसे बनाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि अ, अ की अपनी कोई मात्रा नहीं है इसलिए हम लिखेंगे, जैसे शब्द बना जल और फल, ये दो शब्द बने बच्चों इससे। अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, आ, आ की मात्रा दिख रही है, अब हम इससे शब्द बनाएंगे। जैसे काला, देखो क लिखा, का, का बोलो, आ रहा है ना पीछे, तो का की मात्रा ल, ल पे आ का डंडा, क्या हो गया ये, काला। दूसरा धारा लिखेंगे बेटा मा ला, दोनों में आ रहा है मा आ और ला आ, दोनों में आ का उच्चारण हो रहा है। अब बेटा देखिए हम छोटी ई, छोटी की मात्रा का चिन्ह आपको देख रहा होगा, अब इससे हम शब्द बनाएंगे, जैसे की रन, किरण लगी ना, किरण, हिरण, ही हिरण, क्या बना, किरण और हिरण, ये दिख रही आपको छोटी ई की मात्रा, ये उसका चिन्ह है। अब बड़ी, बड़ी की मात्रा ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बना रखी है, अब हम इससे क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे, जैसे पा नी, आ गई बड़ी मात्रा, बड़ी की मात्रा और रा नी, आपको दोनों में दिख रहा होगा कि बड़ी की मात्रा लगी हुई है। अब इसी प्रकार से ऊ, छोटा ऊ की मात्रा ये होती है, अब हम इसके शब्द बनाएंगे, फूल, लो फूल,
है बच्चों कुल और पुल, इसमें छोटी उ की मात्रा। अब देखिए बड़ा उ, इसकी मात्रा चिन्ह ये है। अब हम इससे शब्द बनाएंगे, फूल। क्या हो गया बच्चों? फूल। भूल, दिख रहे हैं आपको कि फू उ की बड़ी उ की मात्रा, अब भू भू में भी बड़ी उ की मात्रा, भूल। अब आपको दिखा होगा री, री का चिन्ह है मात्रा चिन्ह। अब हम इससे शब्द क्या बनाएंगे? क, इसके नीचे री, ये री पा, कृपा, बोलो क्री, री आ रहा है ना, कृपा। और इधर लिख देंगे त्रि सट, कृषक। क्या बन गया बच्चों ये? कृषक। अब हम बनाएंगे ए, ए पे आपको दिख रही होगी कि एक मात्रा होती है। अब हम इसे शब्द बनाएंगे अब ए की मात्रा, ए दिख रहा है ए की मात्रा, इससे क्या बनाएंगे हम? सेब, सेब, सेब और सेब, दिख गया होगा आपको ए की मात्रा लगी है, से ए से और से। अभी आई, आई में होती है दो मात्रा, उसमें देखिए बच्चों आप बैल, दो मात्रा आ गई, लो बैल और थैला। क्या हो गया बच्चों? बैल आई की मात्रा और थ के ऊपर भी आई की मात्रा, थैला। अब पढ़ेंगे बच्चों हम ओ, ओ की मात्रा, ओ का चिन्ह ये है। अब इससे हम शब्द बनाएंगे, तो ता, मो रबोर, ओ आ रहा है ना, तो मो। अब पढ़ेंगे हम आओ से बनने वाले शब्द, को आ, आई ना बच्चों, इसमें भी आओ की मात्रा को और ओ। अब पढ़ेंगे हम अंग से बनने वाले शब्द, अंग की मात्रा ये है, इससे बनने वाले शब्द रंग, जंगल, दिख रहा होगा आपको कि अंग की मात्रा की सहायता से ये शब्द पूरे हुए। अब अह, अह में विसर्ग, इसके शब्द हैं प्रातः, नमो, आए इसके पीछे प्रातः, दो हलंत है, विसर्ग है, यानी कि अह की मात्रा है और नमः। बच्चों आशा करती हूं आप लोगों को अच्छे ढंग से ये वाला पाठ समझ में आएगा कि मात्रा किसे कहते हैं और मात्रा से बनने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से हम शब्द को पूरा करने के लिए मात्रा का प्रयोग करते हैं। धन्यवाद।